28 फरवरी को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने एक बार फिर इतिहास रच दिया। श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से PSLV-C51 ने ब्राजील के एमेजोनिया 1 और अन्य 18 उपग्रहों सहित सुबह 10:24 पर उड़ान भरी। ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की 53वीं उड़ान थी। उड़ान के ठीक 17:23 बाद PSLV ने एमेजोनिया 1 को उसकी कक्षा में स्थापित कर दिया और अगले लगभग 1.5 घंटे में 18 अन्य उपग्रहों को तय कार्यक्रम के अनुसार एक एक कर व्हीकल से अलग कर दिया गया। ये नवगठित न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के तहत किया गया पहला वाणिज्यिक मिशन था, जो सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। First of all, let me congratulate and compliment the team ISRO. सबसे पहले मैं अमेजोनिया 1 और 18 अन्य उपग्रहों को सटीकता से प्रक्षेपित करने के लिए टीम इसरो को बधाई देता हूं। इस सफलता का श्रेय टीम इसरो को जाना चाहिए। यह मिशन विशेष है क्योंकि यह भारत सरकार द्वारा घोषित नए अंतरिक्ष सुधारों के तहत आ रहा है। वास्तव में इन संस्थानों ने एक उत्कृष्ट काम किया है। इसरो ने वास्तव में इन्हें बढ़ावा दिया है, इनका हाथ पकड़ा है यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपग्रहों को सही ढंग से बनाया जाए, तकनीकी रूप से सही हो, जिससे यह लॉन्च सुनिश्चित ढंग से हो सके। भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता का लाभ पहुंचाने और निजी क्षेत्र के लिए इसरो के दरवाजे खोलने के उद्देश्य से साल 2019 में अंतरिक्ष विभाग के अधीन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई थी, जो कमर्शियल मिशनों को बढ़ावा देने की सकारात्मक पहल थी। इसी कड़ी में पिछले वर्ष अंतरिक्ष क्षेत्र में नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास और गैर सरकारी निजी क्षेत्रों को अवसर प्रदान करने और उनकी निगरानी के लिए भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस नाम से एक निकाय को मंजूरी दी गई। ब्राजील के उपग्रह का विकास और प्रक्षेपण इन्हीं प्रयासों की एक पहल है, जो अंतरिक्ष मिशनों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और प्रौद्योगिकी आदान प्रदान को और मजबूत बनाएगा। Represents a new era of the Brazilian industry for satellite. ये ब्राजील की उपग्रह इंडस्ट्री में एक नए युग की शुरुआत है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम इसे लॉन्च करने के लिए भारत से अच्छा संस्थान नहीं चुन सकते थे, क्योंकि हमारी साझेदारी भी भारत के साथ है और यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह कदम है, लेकिन यह साझेदारी बहुत बड़ी होने जा रही है। यहाँ मैं सभी भारतीयों का बहुत धन्यवाद करता हूँ और एक शानदार रॉकेट के उत्तम प्रक्षेपण और यहाँ किए गए सभी प्रयासों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि भविष्य में भी हम और भी बहुत से काम करेंगे। इसरो का ये मिशन अब तक के सबसे लंबी अवधि के मिशनों में से एक था, जिसमें ब्राजील के अलावा इन स्पेस के 4 और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड कमर्शियल मिशन के 14 उपग्रह शामिल हैं। इन स्पेस द्वारा भेजे गए उपग्रहों में 3 भारतीय शैक्षणिक संस्थानों के संग यूनिटी सेट हैं। स्पेस किड्स इंडिया द्वारा निर्मित सतीश धवन सैटेलाइट के शीर्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर बनाई गई है और SD कार्ड फॉर्मेट में भगवद गीता भी अंतरिक्ष में भेजी गई है। नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनकी तस्वीर अंतरिक्ष में पहुंची है। इस लॉन्च के साथ ही PSLV द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित किए गए विदेशी उपग्रहों की संख्या 342 हो गई है।